सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको मिल सके मेरी रेसिपी सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रेशर कुकर में सूजी से केक। इसको हम रवा केक भी कहते हैं और सूजी से बना हुआ केक बहुत टेस्टी लगता है। ये आपके बच्चों को खासकर पसंद आएगा। एक बार बनाकर जरूर देखें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने दो केक बनाए हुए हैं, चॉकलेट केक और पार्ले जी से केक। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सूजी का केक बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से केक। इसको हम रवा केक भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 1.5 कप सूजी यानी रवा लिया है। ये मैंने बारीक सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप इसे मिक्सर में ग्राइंड करके इसे बारीक बना सकते हैं। 1/2 कप दही यानी कर्ड, 3/4 कप मिल्क, ये मैंने रूम टेम्परेचर पर मिल्क लिया है, ठंडा मिल्क नहीं लेना है हमें। 3/4 कप पाउडर शुगर, अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो, शुगर को मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर शुगर बना सकते हैं। 2 टीस्पून टूटी फ्रूटी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 कप ऑयल एंड 1/2 कप मैदा, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको ना डालें तो भी आपका केक बहुत अच्छा बनेगा, पर आप इसको डालेंगे तो आपका जो केक है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे वनीला फ्लेवर आप बहुत अच्छा आता है और सूजी का केक खाने में बहुत टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए सूजी का केक बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी का केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास का बाउल लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले 1/2 कप कर डालेंगे और दही को डालने के बाद हमें इसे अच्छे से एक स्मूथ बैटर में बना लेना है विस्क की हेल्प से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का स्मूथ बैटर बनाना है हमें। अब हम इसमें 3/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें इसे एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। बचा हुआ पाउडर शुगर भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप ऑयल डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको तब तक मिक्स करेंगे तब तक हमारी जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए इसमें। तो फ्रेंड्स, शुगर अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसमें। अब हम इसमें सूजी डालेंगे और 1/2 कप मैदा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है हमें। हमने सूजी और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 3/4 कप जो हमने मिल्क लिया हुआ था वो थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें लम्स ना पड़े, अदरवाइज केक का टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर केक में लम्स पड़ जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा दूध और डालूंगी मैं और बाकी का बचा कर रखेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड्स, 15 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। देखिए, सूजी ने मिल्क को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हमने जो बचा हुआ मिल्क है उसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और
और इसका स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके का इसका बैटर रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमें इस तरीके का बैटर लेना है, इसका ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं लेना है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है हमें इसे, अदरवाइज इसके एयर बबल निकल जाएंगे। अब हम इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब मैं यहाँ पर वनीला एसेंस ले रही हूँ वनीला फ्लेवर के लिए, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ मैं इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो चुके हैं इसमें। अब हम इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब मैंने केक बनाने के लिए एक कंटेनर लिया है, इसको मैंने सारी साइड्स पर अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके बॉटम में टूटी फ्रूटी डालूंगी। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी की जगह ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, जो आपको पसंद हो। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। मैंने बैटर को कंटेनर में डाल दिया है और हम इसको 2 से 3 बार टैप कर देंगे। अब मैं इसमें ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। मैं आपको सूजी का केक प्रेशर कुकर में बनाकर दिखाऊंगी। और केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज किया है, और मैं इसके बॉटम में स्टैंड रख रही हूँ। स्टैंड हमें इसलिए रखना है, डायरेक्ट इस कंटेनर को इसके बॉटम में नहीं रखना है, अदरवाइज हमारा केक जल जाएगा। मैं केक को इसमें रख रही हूँ, और मैं कुकर को प्री हीट नहीं कर रही, क्योंकि जो हमारा कंटेनर है उसे रखने में प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी, अगर हमारा कुकर गर्म होता है तो। अब मैं इसकी जो वेसल है उसको निकालना ना भूलें, इसको निकाल कर इसको बंद कर देंगे हम। मैंने प्रेशर कुकर को गैस पर रख दिया है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। हमारा केक बनकर तैयार है। अब हम इसमें नाइफ डाल के देखेंगे, अगर हमारा नाइफ क्लीन निकलता है तो इसका मतलब हमारा केक बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है। अब हम कंटेनर को बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, केक ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी साइड्स को लूज करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने केक की साइड्स को लूज कर लिया है। अब मैं केक को डीमोल्ड करूंगी। इस तरीके से टैप करेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, केक बनकर तैयार है। अब हम इसको पलट देते हैं। अब हम इसको नाइफ से कट कर कर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केक कितना फ्लफी बना है। अगर आपको मेरे सूजी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।